बच्चों भी हमें ट्यूशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास सिक्स बनाकर देखो 19 का पूरा समाधान करेंगे। देखिए जैसे कि एक नंबर है, मेरे जन्म तारीख का 19/11/1975 अर्थात 1975 वर्ष को के 19 नवंबर महीने में, मतलब जन्म का तारीख है ये, 10/10/2000 को मेरा उम्र कितना होगा। जब भी देखिए ऐसे सवाल रहे ना तो पहले क्या कीजिए, दिन लिखिए यहाँ पे, दिन तभी होगा। देखिए यहाँ पे पहले, यहाँ पे एक नंबर, देखिए एक नंबर दे देते हैं, ये पहले दिन लिखिए यहाँ पे पीछे से, दिन फिर महीना फिर वर्ष, तब आप लोग का बने गई है। देखिए जिसमें घटाना है उसको पहले लिख लेंगे। दिन ये है 10/10 और ये 2000 हो गया। अब ये वाला देखिए 19/11/1975 घटा दीजिए, ये घटा निकाल लीजिए। देखिए यहां पे 10 है, यहां पे 19 है, इससे एक लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 10 40, मतलब कहीं ना कहीं 30 जोड़ 10 यही ना होगा 40। चालीस में घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और इतना यहां पे कितना हो जाएगा 4, 3 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा 2। अब यहां देखिए 8 9 बच गया, कितना बच गया 9, यहां से 1 लेंगे 12 + 9 12 9 21 21 एक में से गया 0 और ये 1। अब देखिए यहां पे, यहां से 1 ले लिया है तो कितना बच गया है 1 9 9 9 9 में से 5 गया तो 4, कहीं ना कहीं ऐसे बच गया 9 9 9, यहां पे 4 और यहां पे 2 और ये पूरा कट गया, ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, इतना दिन हो गया, मतलब कि वर्ष महीने दिन ये हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, हमारे मोहल्ले के मुख्य रास्ते की तैयारी का कार्य ग्रीष्म काल के 6/6/2010 को शुरू हुआ, मतलब कि ये शुरू हुआ। रास्ता तैयारी का कार्य पूरे करने में 1 वर्ष 3 महीना 18 दिन का समय लगा। हिसाब करके देखें कितने तारीख को रास्ता का कार्य समाप्त हुआ। जब भी ऐसे सवाल रहे तो सबसे पहले क्या कीजिए, दिन लिखिए, दिन फिर महीने महीने और ये वर्ष लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि कितना खत्म हुआ ये ना बोल रहा है, तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ, 06/06/2010 को ये क्या किया था, शुरू किया था कार्य, ठीक है शुरू किया था। अब खत्म कब हुआ भाई, देखिए 18 और उसके बाद 3 महीना 1 वर्ष ये खत्म हुआ, तो अब अपने आप पता चल जाएगा कि कितने तारीख को कंप्लीट हुआ। देखिए 18/6/24 और ये देखिए 6/3/9 और 1 जोड़ देंगे तो 11/9/24 को ये क्या हो गया, पूरा खत्म हुआ। तो ये लिख दीजिए यहां पे दिन महीने और ये वर्ष, इतना हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए अभी मेरी उम्र 11 वर्ष 7 माह 10 दिन है, हिसाब करके देखे और कितने वर्ष के बाद मैं वोट देने का अधिकार पाऊंगा। देखिए पहले वोट कितना साल में देते हैं, 18 साल में देते हैं, है ना, तो अभी वो कितना साल का है भाई, 11 वर्ष 7 महीना 10 दिन का है, तो पूरा पूरी 18 वो क्या होगा,
18 वर्ष में वोट देगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये देखिए 18 वर्ष में इसको घटा देंगे, 18 वर्ष में घटा देंगे, बस अपने आप चल जाएगा। पहले वही लिखिए, देखिए तीन नंबर को भी सेम बनाएंगे, देखिए तीन नंबर सेम करेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां पे दिन, महीने, वर्ष हो गया ये 10, सॉरी देखिए इसमें 0 0, इसमें भी 0 0, और ये 18 वर्ष का हो जाएगा तो वोट देने का। देखिए यहां पे 10 0 7 और ये 11, इसमें घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, 18 वर्ष में घटा देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए एक इससे लेंगे तो यहां 17 हो जाएगा, और यहां पे 12, फिर इसे एक लेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 11, और यहां पे 30, इसमें घटा दीजिए 0 2, और 11 11, 7 8 9 10 11, 0 4। अब देखिए यहां पे 17 हो गया था, 17 में से 6 तो ये हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब 4 नंबर, मेरे पिता की उम्र 52 वर्ष 8 महीने 20 दिन है, मेरे बड़े पिता से 3 वर्ष 10 माह 26 दिन बड़े हैं, हिसाब करके देखिए मेरे बड़े पिताजी की कितनी उम्र है। तो इसमें जोड़ देंगे और इसमें हो जाएगा। देखिए फिर वही करेंगे, दिन, महीने और ये वर्ष, ये 4। देखिए पहले पिता का उम्र में जोड़ देंगे 20 0 8 और ये 52। अब देखिए इसमें जोड़ना कितना है भाई, 26 दिन 10 महीना 3 वर्ष, तो अपने आप पता चल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, छ 4 46, देखिए 8 1 18, ये देखिए 5 5, ये लेकिन होता नहीं है। देखिए ये 30 दिन ही होता है, 30 दिन घटा देंगे, इसमें 30 दिन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 1 16, एक इसमें प्लस कर देंगे 19 19 हो गया, 19 में से 12 घटा दीजिए, 12 13 14 15 16 17 18 19 19, तो मतलब 7, और इसमें 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 56 56, यह हो जाएगा वर्ष, ये महीने और ये दिन। इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर, जैसे कि 5 नंबर यहां पे दिया हुआ है, मान ढूंढे, मान को क्या करना है ढूंढना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के जो जोड़ने भर से ही आंसर हो जाएगा। मान ढूंढ के उसके बाद दिन लिख दीजिएगा, चेंज कर दीजिए। उसके बाद देखिए जैसे कि पहला नंबर, पहला नंबर देखिए 8 और ये 4 48 दिन और ये 1 8, अब ये देखिए 9 5 14। अब देखिए यहां पे 48 तो होता नहीं है, 48 में से 30 घटा देंगे कितना हो जाएगा 18 18, और 1 प्लस 19 19 में से फिर 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 19 में से 12 घटाइएगा तो 7 0 7, 1 प्लस कर दीजिए 15, ये हो गया। इतना करने से ही हो जाएगा आप लोग का। फिर देखिए इसमें सबको जोड़ दीजिए 9 5 14 14 14 3 17 7 7 1 2 4 4 1 5 57। अच्छा देखिए 9 1 10 10 3 13 1 2, अभी देखिए 9 6 15 15 15 5 20 की 0 हाथ मल
दो चार, और देखिए यहां पे 57 33 घटा देंगे तो 27, 1+ तो 24, 24 तो 0 0, यहां पे 2 वर्ष हो जाएगा। 40 है, 40 से कितना हो जाएगा 42, 42 वर्ष हो जाएगा यहां पे, 42 वर्ष 0 माह 27 दिन। अब इसको देखिए जोड़ दीजिए, 28 का 28 हो जाएगा यहां पे, सॉरी घटा है, यहां 1 ले लेंगे तो 30, 30 में से 28 घटाइए तो 2 2, अब यहां पे कितना था 2, यहां से 1 ले लेंगे तो 12 12 2 12 2 14 14 में से अब 9 घटा दीजिए, 14 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा 5 0 5, और ये 10 10 में से 5 5, ये इस प्रकार घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका। अब इसमें देखिए दिन महीने वर्ष, तो अब इसमें से इसको घटाना है, तो ये 9 में से ये तो हो जाएगा नहीं, इससे 1 लेना पड़ेगा तो 30 कितना हो जाएगा 9 और 49 49 में से घटा दीजिए, ये हो जाएगा 49 में 1 जाएगा तो 8 और ये 2 28 28 हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है 5, ये तो 5 12 5 17 17 में से तो 9 जाएगा तो 8 8, और यहाँ पे 0 5, ये हो गया आपका समाधान। अब देखिए, ये वाला करेंगे, देखिए जैसे कि कितना वर्ष कितना महीना, तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ने का ये तरीका एकदम देखिए ऐसे लिखिए, इसको भी देखिए ऊपर कर देते हैं, देखिए ऐसे ऐसा सवाल जब भी रहे जोड़ने वाला है तो पहले 6 का a लिख देंगे और ये यहाँ पे b लिखेंगे, घटाना है इसमें, इसे देखिए क्या करेंगे, वर्ष महीने दिन, देखिए 28 0 8 0 8 18 0 8 11 ऐसे कर दीजिएगा। बी नंबर भी लिख लेते हैं एक ही बार, देखिए यहां पे जैसे वर्ष महीने दिन, देखिए 20 11 और कुछ नहीं है तो 0 0, उसके बाद घटाना कितना है 10 0 8 23, ये देखिए बी नंबर यहाँ घटा है, ये जोड़ है, इसको देखिए कैसे करेंगे, पहले सर्वप्रथम जोड़ देंगे, 8 दुने 16 16 के हाथ मिला 1 2 1 3 3 1 4, अभी देखिए 8 दुने 16, अभी देखिए 9 1 19, अब देखिए इसमें से 30 घटा देंगे कितना हो जाएगा 16 1+17 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 और ये 1 चला आएगा तो 20, ये हो गया। तो घटाओ में क्या करेंगे, 1 इससे लेंगे 30 हो जाएगा, 30 में से 23 घटाएंगे, यहां 30 हो गया, 30 में से 23 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 7, अब यहां पे 10 0 2, यहां पे 0 1, ये हो गया। अब देखिए सी नंबर, देखिए जब भी गुना हो ना पहले गुना कर लीजिए, 9 9 9 18 9 18 दिन हो गया। अब देखिए 9 7 63 महीने, अब देखिए 9 8 9 8 72, अब देखिए इसमें 60 से भाग दे देंगे, जो होगा वो महीना में बदल जाएगा, ठीक है 60 से भागा देते हैं, और सॉरी 30 से भागा दे देंगे, 30 से ये देखिए 30 भागा ये हो गया 9, 6 18 6 18 0 कट गया तो 9 9 दिन, यहां पे क्या हो जाएगा 9 दिन। अब देखिए ये 6 को इसमें जोड़ देंगे, 63+6 कितना हो जाएगा 69,
ये महीना है, एक महीना मतलब कि वर्ष, वर्ष में बदलना है तो एक महीना में कितना होता है, 12 महीना, 12 पंचे 60, 60 नौ कट गया, तो ये यहां पे 0 और ये 5 महीने। अब देखिए यहां पे कितना है, 9, ये सॉरी ये 9 यहां पे हो जाएगा और ये 5 इसमें आ जाएगा, तो 72 5 77, 77 वर्ष, 77 वर्ष 9 महीना, 77 वर्ष 9 महीना 9 दिन, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए डी नंबर, देखिए डायरेक्ट भाग दे देंगे 9 से, कितना को भाग देना है भाई, ये देखिए 21 वर्ष 7 महीने 9 दिन, देखिए भाग कैसे देंगे, 21 वर्ष में भाग देंगे तो कितना, 9 दुने 18 घटा दीजिए, ये वर्ष हो गया, ये वर्ष 9 दुने 18 कितना बच गया, देखिए 18 19 20 21 3 0 3 3 है जो महीना में इसको बदल देंगे, कितना से 12 से गुना, 12 36 36 प्लस 7 कर दीजिए क्योंकि ये महीना को महीना में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 9 12 1 13 हाँ तो 1 4 43। अब देखिए 9 9 18 9 17 9 4 9 4 36 तो ये महीना 36, तो यहाँ 36 घटा देंगे, घटा दीजिए। अब देखिए 10 3 13 13 में से 6 गया तो 7 और ये कट गया, ये महीना हो गया, महीना को फिर दिन बदलने के लिए 3 से गुना, 30 से गुना, 27 21 110 प्लस 6 216। अब घटाइए देखिए कितना हो जाएगा, 9 9 2 18 घटा दीजिए 10 1 11 11 में से 8 एक तो 3 और ये 9 4 36 9 4 36 ये कट गया, कितना हो जाएगा, 2 वर्ष 4 महीना 24 दिन। अब देखिए ये हो गया कितना डी नंबर। अब है हम लोग के पास 7, ये देखिए ये मेरा उम्र, ये अपने मन से कुछ भी लिख करके कर लीजिएगा, तो ये हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग 6 का डी तक पूरा समाधान कर लिए और इसमें आप अपने मन से कुछ लिख दीजिए और उसको जोड़ दीजिए, तो ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे।